कैमरा इस तरफ किया, ओ मामा आके खोती रेडी हो कि मारता है, सबर कर ला क्यों जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये बैक साइड से व्यू देख रहे हैं, दोनों तरफ से एक बड़े किस्म की, आप दरिया तो नहीं से बोल सकते, हम शायद नहर है जी। मेरी वीडियो शायद अच्छी ना आ रही हो, सूरत है जी ऊपर, ये वीडियो बना रहा हूँ। आप जा रहे हैं पाकिस्तान भी जा रहे हैं, मैंने बोला पाकिस्तान एक छोटा सा एक तो गांव के व्यू शेयर करूँ जो पाकिस्तान का एक गाँव है। ऊपर से इसके अलावा गोश्त वगैरह, गोश्त लेने जा रहा हूँ मैं, तो देखूँगा मैं कि गोश्त के रेट क्या है, यानी कि आपके साथ भी दिखा, आपके साथ शेयर करूँ तो, और आपको दिखाऊँगा भी पाकिस्तानी माशाल्लाह फ्रेश गोश्त होता है, और इधर से मिलता भी बिल्कुल एकदम से एक नंबर है। और दूसरी बात यह है कि इस बंदे को जानते हैं आप, इनके साथ मैं वीडियो कॉल कर चुका हूँ, और वो जो वीडियो है वो आप यकीन करें इसलिए थोड़ा स्लो जानते हैं, इसलिए शेयर नहीं हो रही आपके साथ के जिस मोबाइल में मैंने वो वीडियो बनाकर उसको एडिटिंग किया, और यानी कि जिस मोबाइल से मैंने उसको एडिटिंग किया और उसके बाद उसको लैपटॉप में मैं करने वाला था, यानी कि आपके साथ अपलोडिंग करने वाला था, वो मोबाइल को भाई लॉक लग गया खुद से, यानी कि मेरी पॉकेट में था उसका, वो लॉक खुद से लगता रहा बार बार। उसके बाद 70 hours बोल दिया गया मुझे, 72 hours के बाद उनकी तरफ से बोल दिया गया अभी लॉक लगाओ, तो वो वीडियो भाई वही पेंडिंग में पड़ी हुई है। अभी कल मेरे हिसाब से वो लॉक खुलेगा तो फिर इंशाल्लाह ताला वो भी शेयर कर दूंगा। तो बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान का फ्रेश एक किस्म का गोश्त और कुछ व्यू वगैरह जी। तो ये गधा गाड़ी देख लें ऊपर इन लोगों ने, जो यार भैंसों के लिए चारा वगैरह काटते हैं, जिन्हों पंजाबी जब मक्की कहने हैं, वो वड्डी खोती रेड़ी तो लद्दी है अगे लो। अच्छा इधर एक ना गांव है गहरा सा, वहाँ पर गोश्त होता है, और ये जो बंदा ये मुझे लेके जा रहा है बोलता है फ्रेश गोश्त बिल्कुल मिलता है, तो मैंने बोलता चलो आज उधर से ले लेते हैं, तो आपको दिखाऊँगा मैं रस्ते के, और थोड़ा फिर इंशाल्लाह तो आगे गोश्त वगैरह भी दिखाता हूँ। ट्राली ट्रैक्टर भी और कट्टा मिट्टी और ट्राली ट्रैक्टर, मैंने कैमरा इस तरफ किया, ओ मामा आके खोती रेडी हो कि मारता है, सबर कर ला क्यों तुतल 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 खोती रेडी ट्राली ट्रैक्टर। पाकिस्तान में यही है जी, और गर्मी में ये गर्दों के बाहर उड़ता भी बहुत है। जी तो ये देसी गांव पाकिस्तान के आप देख रहे हैं, फसलें हैं, और उसके अलावा अभी गंदम की कटाई हुई है इसलिए आपको इतना सब्जा नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों ने आगे कुछ और बीजा है इस तरफ से माशाल्लाह। और इस तरफ देख रहे हैं आप, ये कुछ शेड वगैरह बनाए हैं लोगों ने मुर्गियों के, तो रोड पाकिस्तान के देख लीजिए इसी टाइप के हैं ज़्यादातर। तो बहरहाल आगे एक और चीज़ आ रही है जी, वो है एक ट्रक, और इसके साथ है जी खाता हूँ भट्टा, ईंटों वाला भट्टा। अब मेरे परदेसी भाइयों के लिए एक तोहफा है जी, आप यकीन करें, वो कैसे अब परदेश में बैठे होते हैं दो दो तीन तीन साल से, कई तो भाई पाँच पाँच दस दस साल रहते हैं, जैसा कि मैं 10 साल बाद आया हूँ, तो फिर वो ऐसे माहौल देखते हैं गाँव के वगैरह पाकिस्तान के देसी माहौल, तो देख रहे माशाल्लाह भट्टा जी ईंटों वाला, और ईंटों का रेट का भी मुझे पता नहीं है वैसे, 8200 अव्वल, हाँ 8200 रुपये की, 8200 रुपये की अव्वल रेट मिल रही है जी 1000। तो देख लें इधर से भी गधा गाड़ी आ रही है, देख लें ये बाबा जी खोती जड़ी के उत्ते बैठे हुए हैं, आधे मरबे आ रहे होंगे, तो महाराज आगे चलते जा रहे हैं। ये देख लें कच्चे घर गांव के माशाल्लाह, औसम भाई थे औसम व्यू, और आगे से एक गधा गाड़ी फिर माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मंदिर है ये पाकिस्तान में। अगर आदमी अच्छा ये ना एक चीज़ और है, हम गोश्तवाल के पास पहुंच चुके हैं, मैं आपको वहीं पर दिखाता हूँ जाकर। एक चीज़ और है जी, जो हम खासकर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं ना बंदे, हमारे लिए ये व्यू बहुत ही मायने रखते हैं। दरबार शरीफ है जी उस तरफ एक, और अगर जो पाकिस्तान में रहते हैं जारी सी बात है वो तो रोज़ ऐसे मंजर देखते हैं, लेकिन जो बाहर रहते हैं ना परदेसी भाई, वो वाकई उनके लिए ऐसे मंजर मैना रखते हैं। तो ध्यान ना, ये देख लें सड़क में बड़े गड्ढे हैं भाई,
भैंसें, बकरियाँ, गायें, दूध ताज़ा बिल्कुल फ्रेश। गाय का मेरा हिसाब है 100 रुपये किलो में है और भैंस का 115 रुपये या 120 रुपये किलो में है। तो ये रेट है दूध का पाकिस्तान में भी। तो यह जी है रूड़ी, पिंड की रूड़ी अग लगी, वो रूड़ियाँ तो अग तुम्हें पता कितों पहुँचती होंगी, स्नोकर गाँव में स्नोकर भी है जी इसमें, और बंदे भाई खेल भी रहे हैं। स्नोकर पाकिस्तान में आपको पता ही हर गाँव में होते हैं। तो मैं इस तरफ ज़्यादा कैमरा नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि इस तरफ कुछ खवातीन वगैरह आपको पता होती हैं तो बंदा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इसी तरफ से आपको व्यू दिखा रहा हूँ मैं। तो आगे हम पहुँच चुके हैं गोश्त वाले के पास, इंशाल्लाह फिर वहीं से जाकर अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन चलते हैं जी, मैं बोलता हूँ कि वीडियो चलती रहने देते हैं, आपको थोड़े व्यू दिखाता जाता हूँ और फिर गोश्त वाले के पास पहुँच कर ही वीडियो बंद करेंगे। तो बहरहाल आगे गोश्त वाला आ गया है नज़दीक जी। इस तरफ खुला मैदान है और लोगों ने भैंसें छोड़ी हुई हैं खुली। ये क्या है, ये शॉप बनाई हुई है भाई उसने। आप पेटी वगैरह दाने डालने के लिए जिसे हम बोलते हैं पड़ोला, वो भी बना सकते हैं मज्जा में। अच्छा कुछ गल्ला पंजाबी जे विच मैं कर जाना यार, मादरी जुबान हमारी है ही पंजाबी, तो पंजाबी फिर जाहिर सी बात है बोल ही लेता है आदमी कभी कभार। सामने है जी सरदाई, देसी सरदाई है, एंड इस तरफ है ये गोश्त, फ्रेश गोश्त। मैं अभी रुकते हैं फिर आपको दिखाता हूँ, देख ले माशाल्लाह। तो मैं लाइट भी जला देता हूँ, आप सब्र कर जी। ये गोश्त मैं लाया हूँ। अच्छा ये आपको बता देता हूँ मैं दो कैटेगरी में वैसे कैसे रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि ये 2 kg मैंने लिया है एक जगह पर 2 किलो, और इसके अलावा ये लिया है जी साथ में। अच्छा मैंने 2 किलो लेना था लेकिन ये पीस मुझे अच्छा लगा, ये सीने का एक पूरा पीस था, मैंने उसको बोला ये भी बोलते कर दे, वो बोलता ये भी 350 रुपये का हो गया, तो मैंने उसको बोला ठीक है। तो अभी इनके रेट के मुताबिक बता देता हूँ मैं। पहले ये बता दूँ कि मैंने बेसिकली ये चावल जो बनाने हैं ना, मैंने सोचा कि चलो चावल बनाते हैं मंदी टाइप थोड़ा, तो उसमें ये पीस देखने बड़े हैं, ये इसीलिए पीस बड़े रखे कि मंदी में चलो ये डाल लूँगा और इसके अलावा खाने पीने में ये इस्तेमाल होता रहेगा। ये 2 किलो एंड ये आधा किलो से ज़ायद था। अभी मैं आपको इनके रेट बता देता हूँ मैं। रेट सेम एक ही है, ये मैंने लिया जी पुटखा गोश्त जिसे बोलते हैं, उसमें एक उसने हड्डी डाल दी, देख लें ये हड्डी काट कर उसने इसके अंदर डाली हुई है, ये देख लें। तो ये इसके रेट बने जी ये 600 रुपये के जी में है, यानी पाकिस्तान में ये 600 रुपये किलो है। ये कट्टे का गोश्त है जिसे हम वैर का बोल सकते हैं, आप वच्छा बोल सकते हैं, उसका गोश्त है जी। ये पाकिस्तान में 600 रुपये किलो है और बाकी सऊदी अरब के मतलब तो आपको पता है फिर सऊदी अरब में यानी कि इसका क्या रेट है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।